हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में, और उम्मीद है कि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कुछ अच्छा आपको मिल रहा होगा। और यही मेरी कोशिश है यूट्यूब से जुड़ने की। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, एक ही हाथ है, एक हाथ तो मोबाइल में लगा हुआ है कि कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें मेरी इस जर्नी में, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं मतलब शोकेस करने वाला हूँ। कुछ ना कुछ आपको कुछ अच्छा, कोई नॉलेज से रिलेटेड या कहीं कोई ट्रैवल कंटेंट, कोई नई जगह, कुछ ना कुछ बढ़िया हमेशा देखने को मिलेगा। और कुछ नहीं मिलेगा तो जो मेरे लाइफ के लेसन है, जो मेरी लर्निंग है, जो मेरी ज़िंदगी की अभी तक की जो मैंने सीखा है, ठीक है ना, वो कहानी आपको मैं बताऊंगा, तो उससे कुछ ना कुछ लोगों का ज़रूर भला होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हमारे देश में जो एजुकेशन है, कोचिंग स्पेशली, इतना बड़ा बिजनेस है उनका, इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है। जबकि मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है कि एक एजुकेशन और एक हेल्थ केयर हॉस्पिटल, ये दो चीज़ जो है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ये वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। हालांकि फ्री वाला कॉन्सेप्ट मैं फॉलो नहीं करता हूँ, जो कि बहुत सारे राजनेता इस देश में करते हैं और अपनी राजनीति भी जो है फ्री वाइज के ऊपर चलाते हैं, वो चीज़ सही नहीं है, वो एक अलग चीज़ है और ये चीज़ एक बिल्कुल अलग है, ठीक है। फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको आलसी बना देता है, या बहुत ईजिली चीज़ें मिलती हैं तो आप फिर मेहनत करना भूल जाते हो। लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि शिक्षा पे और एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे, गरीब अमीर मध्यम वर्ग हर किसी का अपना हक होना चाहिए। कोई भी बच्चा कहीं भी पैदा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर गरीब घर में पैदा हो गया तो उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा से, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हमारी सोसाइटी, हमारे समाज से है। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाओगे, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप कर पाओगे, अच्छे विचार रख पाओगे, ठीक है ना। और अब एजुकेशन में भी आओगे तो फिर मतलब एक एजुकेशन के अंदर अगर घुसेंगे ना, तो अच्छी एजुकेशन का मतलब केवल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, केवल हाईफाई दिखने वाली बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, जहाँ पे सब चीज़ें महंगी महंगी हो। अच्छी एजुकेशन का इससे भी कोई संबंध है नहीं। अच्छी एजुकेशन मेरे हिसाब से जो आपको अच्छे संस्कार, ठीक है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर स्पर्धा का, कंपटीशन का, वह मिलता हो वहाँ पे, वो एक अच्छे, मैं मानता हूँ कि अच्छे स्कूल की परिभाषा है, अच्छी एजुकेशन की परिभाषा है। तो चलो खैर, इस टॉपिक पे एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे एजुकेशन पे, कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और आज की डेट में करंट सिचुएशन में कैसा है, तो ये एक अलग टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे थे कोचिंग के बारे में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, कोचिंग के बारे में। तो मेरा आपसे ये कहना है कि किस तरीके का कोचिंगों में गड़बड़ झोला चलता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कोई बच्चा यूपीएससी किसी ने क्रैक किया और उसकी ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थी ना, 8, 9, 10, जो मतलब कम वाली आ गई। इवन मैं ज़्यादा वाली पे भी बताऊंगा कि मतलब 200, 150 अगर ऐसा भी कोई रैंक आती है, तो किसी की अगर रैंक आती है तो पता है क्या करते हैं, जो कोचिंग वाले होते हैं, कोचिंग ऑनर होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, उस बंदे को अप्रोच करते हैं, उनको पैसे ऑफर करते हैं, ठीक है, और पैसों के अलावा उन्हें फेम भी मिलता है, और उस टाइम पर वो लोग खुश तो होते ही हैं। तो कुछ लोग हाँ कर देते हैं, सबके बारे में नहीं कहूँगा, पैसा कमाने के लिए भी कर देते हैं, अच्छा मोटा पैसा ऑफर किया जाता है। और पैसे के आगे आपने देखा है कि समाज में अच्छे अच्छे लोग जो है ना घुटने टेक दे रहे हैं, ये आज के ज़माने की हकीकत है। तो उनको ऑफ़र किया जाता है पैसा, तो कि आपको ये बोलना है कि हाँ मैंने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी, या फिर अगर ये भी जस्टिफाई ना कर पाओ तो आप ये बोल देना कि हाँ मैंने ऑनलाइन जो है इनका वो लिया था, प्रैक्टिस सेट लिया था, मॉक टेस्ट लिए थे मैंने इनके यहाँ से, इनकी जो सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़ वो मैंने फॉलो की थी ऑनलाइन, तो मतलब बस। और वो पेपर वगैरह में निकाल देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि फला फला रैंक के जो बंदे हैं ये हमारे यहाँ से। आप देखना कभी भी कि एक ही बंदा 36 कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने उसका प्रमोशन किया होगा, तो आप सोचो एक बंदा 36 जगह से कोचिंग ने कैसे ले पाया होगा भाई, ये पॉसिबल नहीं है।
ये एक खेल चलता है, और जो इसमें जो भोले वाले लोग होते हैं, चाहे वो गांव के हों या शहर के हों, वो बेचारे फंस जाते हैं। वो अपने बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाके एडमिशन करा देते हैं, मोटी फीस लेते हैं इंस्टीट्यूट वाले, कोचिंग वाले। और एक चीज़ सुनो, ये तो एक अलग चीज़ हो गई कि चलो इस तरीके से लोग प्रमोट करते हैं। अब आप ये सोचो कि UPSC में 1000 सीट के आसपास होती हैं टोटल, जिसमें IAS IPS 1000 से भी कम होती हैं, IAS IPS IFS ठीक है, IRS, बाकी अन्य सर्विस अदर सर्विसेज ठीक है, जो आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उनमें ठीक। अब इतनी वैकेंसी हैं, मान लो 1000 है फॉर एन एग्जांपल, 1000 वैकेंसी हैं और 20 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं ठीक है, 20 लाख बच्चे 1000 वैकेंसी के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो सोचो सिलेक्शन तो उन 1000 का ही होना है क्योंकि पोस्ट ही 1000 खाली है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बात कर लो आप कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये 20 लाख बच्चे, कोचिंग इंस्टीट्यूट 10 लाख पढ़ रहे हैं, 10 लाख बच्चे, एक बच्चा कम से कम 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, 10 लाख गुणा 1 लाख कर लो आप, कितना तगड़ा बिजनेस है, 10 लाख गुणा 1 लाख। ये खेल है इस एजुकेशन इंडस्ट्री का, इसे इंडस्ट्री बना दिया, इसको उद्योग बना दिया है, जो कि मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है पर्सनली तौर पे, बहुत दुख होता है देख के कि किस तरीके से सरकारों ने आज तक की सभी सरकारें हैं इसमें, कोई एक सरकार नहीं है जिसने भी राज किया है इन चीज़ों पे। अब कोई क्यों नहीं बोल पाता, क्योंकि सीधी सी बात है पावरफुल लोग होते हैं, जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और जो इनकी फ्रेंचाइजी लेके चलाते हैं वो भी अच्छे पैसे वाले होते हैं। फिर वही वाली बात है, चोर चोर मोसेरे भाई, एक खिसकेगा बाकी को भी नाम लेगा, तो सब एक दूसरे को बचाने में एक रैट रेस बन जाती है। तो रैट रेस में तो फिर ऐसे ही होता है, लेकिन आप सोच के देखो कि कुल 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है और 10 लाख गुणा 1 लाख, और 10 लाख भी ना करो तो 5 लाख कर लो, कि 5 लाख बच्चे 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा ही होता है और मैं बता रहा हूँ, 5 लाख गुणा 1 लाख के गुणा कर लेना भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कितना पैसा हो गया ये। तो इतनी मोटी इंडस्ट्री है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद है कि जितने भी लोग कोचिंग करते हो ना, प्लीज़ आप अपने आप को एक बार इवेल्युएशन कर लें अपना, कि हम वाकई में इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अपनी तैयारी में हम निकालना ही है। और ये भी सोच लें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा ही क्यों, आप सोचो इस चीज़ को, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, 100% कर सकते हो। आपको एटमोसफेयर चाहिए तो कहीं घर से अलग निकल के कहीं पे तैयारी कर लो, ताकि वहाँ पे एक ही तरीके के लोग हों, आप दोस्त वगैरह मिलके। पर आज के ज़माने में मोबाइल के बेसिस पे आप कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह ले लो अगर किसी की लेनी है तो, अदरवाइज़ मैं तो ये सलाह दूंगा कि टेस्ट सीरीज वगैरह ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाके, और आपको बताऊँ तो वहाँ पर जो होता है ना खेल, वैसे भी बहुत ख़तरनाक, बिगड़ते भी बच्चे ज़्यादातर कोचिंग में जाके हैं, लत उन्हें वहीं लगती हैं उल्टी सीधी, मॉडर्नशिप के नाम पे जो है ना वहीं पे होता है ड्रामा, कह रहे भाई थोड़ी सी यार सिगरेट पी ले, जो बच्चा कभी सिगरेट नहीं पीता होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के माहौल में जाके सिगरेट पीना शुरू कर देगा, कोई दारू पीनी शुरू कर देगा, कोई अफेयरबाजी में पड़ जाएगा, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ लेकिन होता है ज़्यादातर। तो इस चीज़ पर ध्यान दो कि वाकई में, कि अगर आप घर से बाहर निकले हो तो जो पैसा लगा रहे हो वो पूरी तरीके से जो है कामयाब हो पैसा, क्योंकि हार्डवर्क करके भेजा है माँ बाप ने। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके माँ बापों ने बहुत ईमानदारी से पैसा कमा के उन पर पैसा लगाया है, और किसान के लिए स्पेशली, क्योंकि जो किसान का पैसा बहुत मेहनत का होता है, जो प्योर किसान है, और बाकी शहर के भी लोग हैं जो बेचारे बहुत मेहनत करके जो है इस तरीके से अपने बच्चों को आगे भेजते हैं। तो इस चीज़ पर जो है ना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कोचिंग वगैरह की सच्चाई ये है आजकल के ज़माने में, इट्स जस्ट ए बिजनेस, केवल एक व्यापार बन के रह गया है बस। अगर आप अच्छे स्कूल, अच्छी व्यवस्था करोगे स्कूल की, एजुकेशन सिस्टम की, स्कूल्स की, कॉलेज की, तो बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत ही क्या है। जो बच्चा डिजर्विंग होगा तैयारी करेगा अपनी, सेल्फ स्टडी, और नौकरी ले लेगा। ये कोचिंग का धंधा ही मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइडेंस तो स्कूल से ही मिलना चाहिए ना, हमारे स्कूल में भी ये व्यवस्था हो सकती है।
इस टॉपिक पे चलो एक कभी बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। इस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा मैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, क्योंकि मेरा बच्चा भी अभी पढ़ने जाने लगा है अभी, ठीक है। वो नर्सरी में है, तो मैं अभी से मैं हाल देख रहा हूँ स्कूल्स के। यहाँ पे सो कॉल्ड बहुत अच्छा स्कूल है, वो टॉप स्कूल्स में से एक है, और ठीक है, लेकिन पैकेट फूड का बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं वो लोग, बात बात पर पैकेट फूड के लिए, मतलब। और वो ही देते हैं पेरेंट्स, जैसे बर्थडे वगैरह होता है ना किसी बच्चे का, जन्मदिन है, तो उसके पेरेंट्स उसको गिफ्ट रैप वगैरह करके पॉलिथीन में भेज देते हैं। तो ठीक है, वो हैंडी होती हैं चीज़ें खाने के लिए, लेकिन फिर भी यार हम ही प्रमोट कर रहे हैं हम ही, और फिर इसको बाद में कैंपेन भी कर रहे हैं सड़कों पे कहा के कि हमको नहीं चाहिए पैकेट का खाना, बंद करो घर का बना खाना खाओ। तो कितनी हिपोक्रेसी है इस देश में। तो इस पर अलग से एक बात करेंगे। तो फिलहाल कोचिंगों का जो है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सच्चाई ये है कि वो जो ये दिखाते हैं ना कि फला सिलेक्शन हो गया फला सिलेक्शन हो गया, सारे चीज़ें वो जेन्युइन नहीं होती हैं, उसमें बहुत फेक भी होता है। पैसे वैसे दे के बुला लेते हैं बंदों को, बहुत से बंदे आ भी जाते हैं, बहुत से नहीं आते हैं, मना कर देते हैं। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की सच्चाई है इस देश की। तो सोच समझ के अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजें, और जो लोग जो बच्चे हैं जो खुद जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बोलना है कि आप अपना पहले देखो कि मुझे कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रेडी हूँ, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, और उसके बाद अपना डिसीजन लें। और सेल्फ स्टडी से थोड़ा बहुत किसी का गाइडेंस लेके आप कर सकते हो, ठीक है। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जाके ना जाओ तो ही ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली का एक कांड देखा था, क्या हुआ था, क्या स्थिति बना रखी है। तो बस यही है। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में कल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही प्यार देते रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें मेरे। मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।